famous. Huggy, na 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 na. Your friend Huggy, na 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 na. My name is Huggy, na 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 na. Our friend Huggy, SK. He next week at you, just you like you, get your time off. Hi guys, मेरा नाम है SK और आज मैं वीडियो बनाऊंगा। देखते हैं हम कौन सी वीडियो बनाते हैं। अच्छी वीडियो बनाएंगे, कुछ मौज मस्ती। पहले भी मैं वीडियो पे आ चुका हूँ भैया की, और भैया की वीडियो पे आ चुका था। बोलना भाई, इंट्रो करना कुछ तो बोल। अभी तो इतना चल रहा था वीडियो बनाने के लिए, अब क्या आओगे? नहीं होगा तो गाइस इससे कुछ नहीं होगा, क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, अभी हम सीट पे आते हैं। तो हे गाइस, दिस इज AJ और बता दे अपना नाम। मेरा नाम है SK और आप फिर से आ चुके हैं हम एक वीडियो को लेके अपने सेटअप के साथ। और आज हम कोई सुपर स्कैरी वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, आज करने वाले हैं कुछ फन। क्योंकि ये जिनका ये गाना गा रहा था ना, वो गाने से अच्छा तो कुछ फन करके ही हम दिखाएंगे। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं इसके ऊपर वीडियो, आप इसका मतलब आप समझ सकते हो तो समझ जाओ कि आज हम किसके वीडियो बनाने वाले हैं। और अगर नहीं समझे तो फिर आगे को वीडियो को देखो। तो चलो चलते हैं वीडियो की और घुमा ले। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आपको क्या दिखाने वाले आज हम। सो गाइस, आ चुके हैं हम फिर से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज हम देखने वाले हैं एक स्पेशल वीडियो जिसमें कि आप साथ हंस के पागल भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, अब आप लोग के ऊपर है। हम लोग तो होंगे क्योंकि भाई इस बंदे का वीडियो हम बहुत देखते हैं। तो आज हम जिसका वीडियो देखने वाले हैं उसका नाम है ट्रिगर्ड इंसान। और तो थूकना बंद कर आज इसका वीडियो नाम है ट्रिगर्ड इंसान। और भाई काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं हमारे निश्चय, वैसे इनका नाम निश्चय भाई है, निश्चय मलाना है। तो भाई अच्छी वीडियो बनाते हैं और हमेशा देखते हैं इनकी वीडियो को। तो आज हम सोचते हैं कि भाई अपने भाई को भी दिखाएं, रिएक्शन करें कि भाई कैसा आता है, कैसा दत्ता। हमें निश्चन भाई और मिड पैट बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और झली से भाई और रचित भाई भी। हाँ, झली से वीडियो खत्म करेंगे, गर्मी हो रही है, फैन बंद करके हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आर यू रेडी? रेडी, लेट्स गो। लेट्स गो, आर यू रेडी? गो गो। 5 मिनट्स लेटर। ए मुन्ना, ऐसा लग रहा मॉल में सो रहे हैं। हां यार, तब हेडफोन का कमाल है। अब ये भाई शुरुआत कुछ ऐसी हुई है, और जिसको तो जानते ही होगा, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान करो, हमें सुनो वही है। हेडफोन बना दिया उसका, पानी पी लो कोई। वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ तड़कते भड़कते ट्रेंडिंग टॉपिक्स और उनके मीम्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। ओह, हीरो बंदी 2, सही बोला। हमने इसका ट्रेलर देख चुके हैं, थर्ड फॉर्म बना डाला। मुझे भी दिख नहीं रहा इधर का, तो थर्ड फॉर्म बना रहा। मेरे को तो ये नहीं समझ आया कि हीरोपंती 2 बन क्यों रही है। हीरोपंती 1 भी कोई खास हिट नहीं थी, अब ये हीरोपंती 2 बना रहे हैं। और ऊपर से ट्रेलर देखा तुमने, ऐसा लग रहा है भाई 10,000 बार ये मूवी देख चुका हूँ मैं। वही स्टूडेंट हूँ, हम भी मान लेते हैं। बाप में दम तो यार, वही ट्रेलर दिखाते हैं हर बार। टाइगर 2 का कोई रीमेक बना दिया है। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी या फिर तुम लोगों को भी लगता है कि टाइगर श्रॉफ की सारी मूवी सेम ही है। मतलब ये एक ट्रेलर तुम हर मूवी पे चिपका सकते हो। बागी 4 पे यही ट्रेलर चिपका दो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 पे यही ट्रेलर चिपका दो, हीरोपंती 5, 7, 100 पार्ट्स बना दे उसके, यही ट्रेलर ही होगा भाई, सेम टू सेम। नवाज सर को छोड़ के पूरे ट्रेलर में कुछ अच्छा नहीं है। बहुत हो गए तेरी हीरोपंती, सबको आती नहीं मेरी चाहिए नहीं। अरे निश्चय भैया, उधर कहाँ चले गए? अरे पूंद पे घुसेड़ दिया। अरे निश्चय भैया क्या कर रहे हो यार, आप इधर आए तो मैंने इधर कर लिया, आप इधर आ गए, ये जगह ही रह लो। चोरी भांजी हो क्या? समझ नहीं आता, कुछ हो जाता तो उसके स्क्रू ड्राइवर का। मेरे को टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है, पसंद है, हैंडसम है, अच्छा डांस वांस कर लेता है, कुदिया मार लेता है, सब बढ़िया करता है। बट कब तक कुदिया ही मारते रहोगे भाई? मैं समझ गया कि आप बैक फ्लिप पे मार लेते हो हम जैसे। वाकई मार लेगा कुदिया? हाँ, मार के दिखा। इधर नहीं मार सकते, चल ठीक है बाहर मार के दिखाना। ठीक है, अगर कुदिया मार के दिखाया नहीं तो फिर क्या, तू पिज्जा पार्टी देगा? डॉल शरीर वाले नहीं मार सकते, लेकिन कब तक टाइगर पाजी वही सेम चीजें ही करते रहोगे, डांस ही दिखाते रहोगे? एंड स्पेशली KGF पुष्पा RRR ऐसी मूवीज देखने के बाद तो कौन देखने जाएगा ये। नारे 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 नारे।
नारी नारी माय फ्रेंड आफ्टर वॉचिंग केजीएफ 2. अबे माय फ्रेंड आफ्टर वॉचिंग केजीएफ 2 नहीं, मी आफ्टर वॉचिंग केजीएफ 2. नारी 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 बंद करो. जब से केजीएफ 2 देखी है दिमाग से निकल ही नहीं रही है वो मूवी. भाई ऐसी मूवी बनाती है चुम्मेश्वरी मूवी. चुम्मेश्वर बेटा इधर आ. नहीं अच्छा तूने केजीएफ 2 वाली मूवी देखा है? हाँ. कहाँ देखा? हमने देखे थे मोबाइल में अकेले. हाँ उस पर एक कैलाश मतलब उसके गन का नहीं मालूम. अगर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट पे बताना जरूर. मुझे एक बात बता, बहुत तूने फोन पे कब केजीएफ मूवी देख ली भाई? टू मैं नहीं देख पाया यार. हमारे नीचे भैया भी सारा टॉकीज में जाके देख के आएंगे. तू कहाँ से देख लिया बताओ यार के नीचे भैया. कौन सा दुख लग रहा है भाई? मेरा भी लेजिट यही रिएक्शन था मूवी थिएटर से निकलने के बाद. नारे नारे तारे नारू ऐसी मूवी कैसे बना सकते हो, इतनी अच्छी मूवी. एंड देन देयर इज तिरुपति 2 बिगर देन बाहुबली. के आर के इन एंड एस देशद्रोही तो डी साड़ो सच्ची. डायरेक्टेड बाय के आर के, प्रोड्यूस्ड बाय के आर के, एक्टेड बाय के आर के, सब कुछ बाय के आर के. थिएटर में भी के आर के अकेला बैठ के ही देखेगा. रिलीज इन थिएटर सून. मतलब इंग्लिश तक नहीं लिखनी आई ढंग से भाई. पोस्टर बना रहा है तू अपनी मूवी का, कम से कम इंग्लिश तो ढंग से लिख लेता. रिलीजिंग इन थिएटर सून. रिलीज इन थिएटर सून. ये मजाक है ना? नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता. मगर क्यों? देशद्रोही 1 की अपार सफलता के बाद ये लेजेंड देशद्रोही 2 बनाने का सोच भी कैसे रहा है? जिससे याद आया कि यार के का रिएक्शन देखते हैं ना. अगर आपने केजीएफ 1 देखी है तो आपको पता है कि रॉकी मुंबई में एक गुंडा था. बिल्कुल. बस वही गुंडा अब एक ऐसी जगह चला गया है जिसका नाम केजीएफ है. ये केजीएफ 1 में चला गया था. चलो सही है कोई नहीं. और 10 लाख लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं. सब वैसे 10 लाख नहीं थे, वो सिर्फ 20,000 थे. 20,000 लोग जिनको हिम्मत आ चुकी है. पर चलो चाचा कह रहे हैं तो सही होगा. ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोयले की खदान में से काम करके अभी अभी निकले हों. आपको तो ढूंढ वो एक्चुअली में भी खदान में ही काम कर रहे हैं. वो कोयले की नहीं गोल्ड की खदान है. बट चलो कोई नहीं, केआर के चाचा ने बोला तो सही होगा. होगा बाहुबली 2 का वो विलन जो एकदम काला निंदा निंदा कैसी लैंग्वेज. एक सेकंड क्या बोलता था? बाहुबली 3 में इसको लेना निम्डा मुरेचकरे की जगह. यानी कि ये वो वक्त है जब राजा महाराजा हुआ करते थे, किंगडम हुआ करता था. यानी कि तकरीबन 1500 साल पुरानी बात है. लेकिन कमाल है, है? ये 1970 की मूवी दिखाई गई है. चाचा कौन सी मूवी देख कर आए हो? क्या माल फूक के गए थे? कमाल ये है कि यहाँ भी टेलीफोन लगा हुआ है और रॉकी भाई लोगों से बातें करते रहते हैं. अगर उस वक्त में भी टेलीफोन था तो शायद उस फोन की खोज की होगी इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील के दादाजी ने. अब अबे 1970 की मूवी है अबे नशेड़ी. 1970s के अराउंड की दिखाई गई है मूवी. उस वक्त टेलीफोन थे, सच्ची में थे. बट चलो चाचा कह रहे हैं तो सही होगा. अब रॉकी मुंबई से इस किंगडम में आता है, अकेले ही किंगडम पर कब्जा कर लेता है और वहां के जितने राजा महाराजा संतरी मंत्री सबको मार देता है. लेकिन सपने में पागल सब देशों में क्राइम करता है. क्राइम का है उसका. तू क्या बोल रहा? एक ही देश में ऐसा नहीं है. चल स्टार्ट करो. हाँ बात में दम तो है यार. ये बंदा कुछ भी बोल कर आएगा.
मिस्टर भी में मार देता है, सिर्फ बातों में मार देता है। किसी को पूछो भाई वो राजा कहाँ है, बोला उसको रॉकी भाई ने मार दिया। भाई वो संतरी कहाँ है, रॉकी भाई ने मार दिया। वो मंत्री कहाँ है, रॉकी भाई ने मार दिया। अगर सबको मार दिया है तो कब मार दिया है, दिखाओ तो सही, बताओ तो सही। केआर के चाचा हो सकता है मेरी ये वीडियो देख ले और इसके बाद मेरे ऊपर वो एक रोस्ट वीडियो भी बना दे, तो मैं ये क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि सर आपका क्या कोई बचपन में कोई मिल गया वाला एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हुआ था क्या पैदा होने से पहले? नहीं, क्योंकि दिमागी चोट काफी गहरी लगती है आपके। पहले तो कौन से राजाओं महाराजाओं की बात करी उन्होंने मारने की? सिर्फ एक गरुड़ा को मारा था, वो भी KGF 1 में मारा था। और KGF 1 आपने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपने KGF 1 देखी है तो आपको पता होगा। अगर आपने KGF 1 देखी है तो आपको पता है, जिसका मतलब है कि KGF 1 आपने भी देखी होगी। तो इस बंदे की बातों में सेंस कहां पे बन रहा है? इसको हीरोपंती 2 दिखाओ, उसके लिए इसको पैसे मिलेंगे पेड रिव्यू देने के लिए, उसकी तारीफ करेगा फिर ये। प्रशांत भाई ये कौन सी वाली लेके आपने फिल्म बनाई है भाई साहब? उस ब्रांड का नाम मुझे भी बताना, मुझे भी ट्राई करना है भाईजान। अब फिल्म मेरे को लगा आप ऑलरेडी करके बैठे हो। ओके अब एक डॉक्टर संजू की बॉडी से वो गोलियां निकाल रहा है। मैं नहीं सुन सकता भाई, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता ये बंदा क्या बोल रहा है। इस बंदे की बात में कोई सेंस ही नहीं है, एकदम सेंसलेस बातें करता है ये बंदा। देखो मूवी पसंद आना ना आना वो एक पर्सनल ओपिनियन होती है। मुझे मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बट है कुछ लोग जिनको नहीं पसंद आई, दैट इज ओके। बट यार अगर तुम रिव्यू बना रहे हो तो कम से कम अपने फैक्ट्स तो सही बोलो, ऐसी कुछ भी बकवास बोली जानी है। और ऊपर से ये देशद्रोही 2 बना रहे थे। अक्षय कुमार, कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं करो, और इनके साथ आई नो व्हाट दिस इज, सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो। खतरों के खिलाड़ी हैं ये तो, लेकिन बात उसकी बाबू भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। आज इतना बड़ा एक लाइन यहाँ जुड़ा हुआ है, अक्षय पाजी स्वस्थ भारत बाबू भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली। उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत तेरे को राम समझा, गलत काम नहीं करूंगा। ये सब दोगला, मैं तेरा दोगला बना उतारता हूँ। देखे कौन लगा बड़े शोभा केशव खिलाड़ी आ गया है, पार बना पैसा ही पैसा बाबू भैया। पूछ आ गया, पूछ हमारा। तो गाइस आप लोग समझ गए कि शुरू में किस चीज का इशारा कर रहा था, इसी चीज का ये पांडुलास वाला ऐड भी आ रहा था इसमें। अभी अक्षय कुमार के मालूम नहीं कौन रहता, उसे तलवार से काट देता उसके पैकेट। अभी और आगे देखना भाई कि इसका इस साइन का मतलब क्या था, अभी और आगे दिखेगा आपको। ओह नो नो नो, ओह नो, देवा रे देवा, भाई विमल वाले अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। एवेंजर्स क्या, अपना खुद का जुबा केसरी यूनिवर्स होगा। सल्लू खान को भी बैठा दी, सलमान खान को कैसे, सलमान खान राजश्री, राजश्री वाले, इन दोनों को देखो जरा, इन दोनों को वो तो ये अजय सलमान खान को लेके जा रहे हैं, टांग पकड़ के ले आ रहे हैं। होगा भाई सल्लू भाई को भी खजीट के ले। अच्छा सल्लू भाई के ऊपर राजचेरी भी है, सल्लू भाई राजचेरी के ऐड में आता ना, हीरोगिरी पुपू करने में नहीं तुतु करने में। ओह गॉड भाई, भाई ये क्या फोटो देख ली मैंने, बोलो जुबा केचरी। वैसे जोक्स साइड, कल अक्षय पाजी का मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखा, उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है कि वो इस कैंपेन में नहीं जुड़ेंगे अब आगे, बट फिर भी मतलब ये तो मीम्स है, सो डोंट टेक इट दिल पे। आई एम ऑल्सो अक्षय पाजी फैन। बोलो जुबा केशरी, बोलो जुबा केशरी, कुछ ना कुछ होने वाला है। नहीं यहाँ पे तो गोली पड़ती है, जोकर मूवी का सीन है जिनको नहीं पता। हाँ मैं भी देखा हूँ, और इसके गोली पड़ती है यहाँ पे। सही बोला, सही सही, क्या होने वाला है यहाँ पे? मजा एक सेकंड, फिर से स्लो मोशन में फिर से देखिए भाई उसके। और बहुत गंदी, बोलो युवा केटरी, मंजुलिका अरे इससे मेरे को मेरी पिछली वीडियो याद आ गई। यहाँ पे क्या होने वाला है, क्यों कर रहे भाई? सानी तो फिर से अजय देवगन सर है यार, अजय सर फिर से आ गए। नहीं आई नो क्या होने वाला है। मगर सनी धनी
भाई तालियां हो जाए भाई तालियां मुंह पे थूक दी बोलो युवा केसरी पागल हो गए पागल हो गए भाई आप लोग ना ये वीडियो प्लीज ये भाई को पहुंचा देना हम इनका नाम नहीं जानते भूल गए नो मोर विमल मीम्स किसका नाम नहीं पहनता इनका निश्चय भैया निश्चय मलान निश्चय भैया का इंसान लाइव इंसान निश्चय भैया का बोलो भाई बहुत हो जाके इंसान है के पास वीडियो पहुंचा देना प्लीज 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 पहुंचाएगा भाई के पास खुद ही वीडियो जा सकती है और एक बार हम लोग के साथ वीडियो बनाए नहीं यार अभी नहीं फिलहाल बाद में प्लीज बात पे चल ठीक है आगे देखते भाई आई एम डन प्लीज नो मोर विमल मीम्स ओ गॉड ये तो मैंने इसका मजा आएगी बच्चे ऐसे रो रहा मैं तेरा हीरो चाहिए ओह माय गॉड स्पाइडरमैन अगला फूटा हो गया ना खत्म ओह माय गॉड कोई इंसान ये आवाज कैसे निकाल सकता है अपने मुंह से एक बार तू निकाल के देखा जरा निकाल सकता नहीं बनती ये कौन सा कुत्ता फंस गया है गले में गले में कुत्ता फंस गया क्या चल छोड़ ओह माय गॉड ओरिजिनल में वो वंदे मातरम भाई आपके पीछे वो फोटो के बताना नारे कर दिया उसका प्लीज हमें ज्यादा हंसी नहीं आई इस पे हाय तनिंदा तनारी नारे तारे I can't stop laughing. ये हमने इंस्टा पे देखी थी. अब मुझे प्यार हुआ. अब मुझे प्यार हुआ. अल्लाह मिया. पसीना निकल आया हंसा. मुझे प्यार हुआ क्या चल रहा है ये परफ्यूम सुन रही है इसका तुमने के नाक पहुंची परफ्यूम सुन क्या हुआ बस करो भाई बस उसकी जैकेट पर करके दो उसने अपनी नाक साफ करी है हमको लगता है कि परफ्यूम सुनगी और नाक साफ ओह माय गॉड तो गाइस यही थी आज की वीडियो बनाई वीडियो लाइक करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना वाले भाई को भी ऑल में करना और भाई के साथ अरे भाई ऊपर अरे इस भाई के साथ वीडियो अच्छी लगी कि नहीं ये भी आप लोग कमेंट करके बता देना और कुछ है ना भाई कैसी लगी आज की वीडियो रिकॉर्ड करने में कैसा लगा मजा बहुत मजा आया जुबा केसरी बन के जुबा के तो भाई और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय